तो पिछले एपिसोड में कोवेनेंट ने हमला करा, ऐसा हमें पता चला। उन्होंने लड़ाई भी करी और बेस को आजाद भी कराया अपने। और फिर कोवेनेंट के जगह पे अभी हम घुसने वाले हैं, देखने वाले हैं कितने बंदे हैं, कैसे हमले की प्लानिंग है, क्या है उनको नाप, मतलब बेअसर भी करेंगे हमला, देखेंगे। तो इसी के साथ हेलो गाइस, कैसे हैं लोग, स्वागत है हेलो रीच में। तो देख सकते हो वो कोवेनेंट की शिप है। हाँ, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि भैया कोवेनेंट क्यों हमसे लड़ते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, वैसे कोवेनेंट वाले जो हैं बेसिकली एक एंशिएंट स्पीशीज थी फॉरनर के नाम से, वो मिट चुकी है, लेकिन वो उनको ना भगवान मानते हैं। कोवेनेंट वाले लोग उनको भगवान मानते हैं और उनके जगह जगह आर्टिफैक्ट्स ढूंढते हैं। और वो ये मानते हैं बेसिकली उनके आर्टिफैक्ट्स ढूंढ के वो खुद से ही सोचते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट जो करते हैं फॉरनर्स का। उन्हें ये लगता है कि भैया ह्यूमंस अच्छे नहीं हैं, फॉरनर्स ह्यूमंस को अच्छा नहीं मानते, इसलिए मार दो। तो कोवेनेंट यही करते हैं, इसी लड़ाई है। Direct action is always necessary. Here, you may need these. High velocity armor piercing. They'll take the half of an sniper? 2,000 yards. मोटा मोटा बताऊँ तो? And they ain't cheap. तो यहाँ पे Noble 3 और Noble 6 को भेजा गया है Covenant के base पे देखने के लिए, भैया क्या है क्या नहीं है scene, जैसा कि मैंने आपको बताया। I guess Noble 3 है वो, क्योंकि हम तो Noble 6 हैं। तो जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कोवेनेंट वाली, ये स्टोरी पहले की है, इस गेम की नहीं है, गेम इस स्टोरी के आगे चल रही है। तो मैंने बताया लड़ाई हो क्यों रही है, लेकिन वो पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई थी। तो हम उनको पीछे से टपका सकते हैं, ये देखो भाई काफी सही, इसको भी तो मार तो सकते हैं, लेकिन फिर सबको पता चल जाएगा। पता नहीं सप्रेसर है कि नहीं, नहीं सप्रेसर नहीं है भाई, स्नाइपर में सप्रेसर होना चाहिए था यार, इतना एडवांस हो गए हम, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई ना, आलू का गेम ही बहुत ही एडवांस जनरेशन पे है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया, एक बेस बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे दो बंदे, इसलिए हम स्नाइपर से आए हैं क्योंकि हम सिर्फ दो ही हैं, चुपके से आए हैं। अगर कुछ ज़्यादा होगा तो हो सकता है कुछ साथी वाथी यहाँ, और फिर सब मिलके हम इस पूरे बेस को तबाह कर दें, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे आए हैं भाई। प्लेनेट का नाम रीच, गेम का नाम ये हेलो रीच। बेसिकली ये वो प्लेनेट है जिस पर ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमंस को बसाया गया है। आपको बता ही चुका हूँ कि इस गेम में बहुत ही आगे हम पहुँच चुके हैं और हम कई सारे प्लैनेट्स पे ह्यूमंस को बसा चुके हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेलो, हेलो मतलब ये रीच प्लैनेट, क्योंकि ये मिलिट्री के हिसाब से, हमारी आर्मी के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। और इसलिए अगर यही नहीं रहेगा तो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस दिक्कत में आ जाएगी, हराना आसान हो जाएगा हमको। तो एक कहानी है ह्यूमन की सर्वाइवल की, क्योंकि लड़ाई हमने शुरू नहीं करी। Incoming. Looks like you really pissed them off. तो ठीक है, वो जो शिप है वो ढूंढ रही है बंदों को। तो गाइस बेसिकली ये कोवेनेंट वाले सोचते हैं कि एक हालो रिंग है, बेसिकली वो ढूंढ लेंगे तो उसको एक्टिवेट करके ये स्वर्ग पहुंच जाएंगे फॉरनर्स के पास, वही जिस स्पीशीज को ये भगवान मानते हैं। सो वही ढूंढते रहते हैं ये। और पिछले एपिसोड में जो हमें हॉल्जी मिली थी, उसने भी यही कहा था कि वो यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने आए थे। तो मेन काम उनका भैया, nice.
तो बेसिकली स्नाइपर है। अरे देखो ये वाली पावर कैसी लगी, ये हेलोग्राम था, मतलब होलोग्राम। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कई सारी पावर्स हैं शिफ्ट से, कोई होगा तेज भागने वाली, हम नॉर्मली तेज नहीं भाग सकते, वो पावर हमें लेनी पड़ेगी। आर्मर वाले लेंगे तो फिर आर्मर बन जाएगा, हम तेज नहीं भाग पाएंगे, कोई हमें मारेगा, कुछ होगा नहीं। ये होलोग्राम था, हमने सामने अपना होलोग्राम खड़ा कर दिया, फिलहाल मुझे ज़्यादा काम का तो नहीं लग रहा है। या देखो फिर से मेरा होलोग्राम ये भी साइड में था, कुछ खास नहीं है। मेरे ख्याल से अब सारे मर ही गए हैं। एक तो है ना भागने के लिए शिफ्ट दबा रहा हूँ और ये होलोग्राम खुल जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी होलोग्राम वाली पावर ले रखी है, चेंज करनी है यार। कहाँ से ली थी मैंने, ऊपर से ली थी। ओके ये रही, चलो भागने वाली मैंने फिर से चेंज कर ली, अब मैं तेज भाग सकता हूँ। अभी और बच्चे हैं, तो मामला बहुत शांत सा है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब हलचल। आ जा भाई, क्यों देखो दो ही बंदों को भेजा है, साइलेंटली किल करना है हमें। You need something? लेट्स सी जाना किधर है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से हमारा साथी सिर्फ पीछे पीछे आ रहा है हमारे, बट हमें जानने की ज़रूरत है कि भैया जाना किधर है अब, क्योंकि देखो आगे खत्म है रास्ता। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए था, लेकिन हेल्थ तो हमारी फुल है। तो फिलहाल काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद, मतलब अभी भी खोजबीन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भैया कौन है किधर है। मेरे ख्याल से बग्स में से कुछ और है, मतलब कुछ वैसी चीजें हैं, क्योंकि यार बंदे ही नहीं मिल रहे मेरे को, मैं ढूंढते ढूंढते तंग आ चुका हूँ। देखो यहाँ पर मैं आया था दोबारा, सामने नहीं गया था, मगर ये क्या है, अच्छा नाइट विजन खोलने को बोल रहा है, लेकिन पहले से खोल रखा था मैंने। ये ऊपर सीढ़ियां हैं, अरे ये रे बंदे, तो मेरा बंदा पहले से था यहाँ पे। अरे बच गए, काफी ले गया यार, शील्ड भी चली गई मेरी। अब भगते हुए जा रहे हैं, ऐसे बुलेट्स काफी कम बची, कम क्या बची, एक ही बची है, कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। फिलहाल मैंने चेंज कर दिया, लेकिन एक बुलेट है अभी भी, काफी काम की है यार गन।
हो सकता है कि बुलेट्स मिल जाए हमें। फायरिंग ऑन मल्टीपल पोजीशन। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गए हैं फिलहाल बंदे, जो ऊपर है तो हमें भी ऊपर जाना चाहिए। या फिर एक सेकंड, हमला सामने से हो रहा है, सामने चलते हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने सीखी है कि भैया अकेले कभी मत हमला करो वरना मर जाओगे, बुलेट ख़त्म हो जाएंगी। साथ में जाओ, साथ में मारो, अपने साथियों की बुलेट ज़्यादा ख़त्म करो। मरता क्यों नहीं है, शायद कुछ तगड़ा बंदा है। हाँ वो दो दो हैं। अरे भाई कूदते पा रहा है, रुक भाई चल बच जाऊं मैं। तो मेरे हिसाब से मर तो गया था, चलो स्नाइपर मुझे इसके लिए तैयार रखनी चाहिए थी। चलो मर गया। ठीक है हमारी गन की बुलेट ज्यादा नहीं है। ये क्या था, चेंज करो भाई पहली फुर्सत में। एक सेकंड, स्नाइपर में कम है ना, स्नाइपर की जगह किधर गई, ये रेक गन ले ली। स्नाइपर की बुलेट मुझे लगता नहीं मिलेंगी। अरे नीचे गिर गया मैं, कोई नहीं यहाँ से भी रास्ता तो हो गई। ये रे बंदे, नहीं शिट, ये तो एनिमल्स थे, इनको हमने फालतू में ही पेल दिया। Noble Two, we're at some sort of pump station. Got eyes on civilians. I'm thinking more local militia. They've engaged hostiles. I guess we're Noble Two. They may have intervened. You heard us, Six. Keep those civilians alive. या फिर हम नोबल टू से बात कर रहे थे, पता नहीं फिलहाल जो भी। अच्छा सामने बंदे हैं फिलहाल, हमारे तीन बंदे। गाइस आप समझ ही गए होंगे, मेरे को राइफल मिल गई, उसे अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो। अभी चेंज करी थी मैंने। ओ भाई साहब बहुत सही, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने दूर से ही जंग ख़त्म कर दिया, अंदर होंगे तो बात अलग है। एक सेकंड, मुझे फिर तो चेंज कर लेनी चाहिए थी, स्नाइपर में बुलेट्स तो क्योंकि ख़त्म ही है, तो नाइट विजन की ज़रूरत है क्या अभी भी? लग तो रही है, दिख नहीं रहे बंदे, अपने ही बंदे नहीं दिख रहे। खाली है मतलब शायद यहाँ का एरिया खाली है। ये छुपे हुए पता नहीं क्यों है, शायद हैं बंदे और हैं शायद, लेकिन हैं तो किधर हैं? ये आगे जा भी नहीं रहे, हमें चल के देखते हैं। हमने बंदों को मार भी दिया यहाँ पे। एक सेकंड और आ गए, कहाँ से कहाँ से कहाँ से? ओके गया।
I'll get you! So we came back for this. We have them hidden all over the territory. You know, this stuff is stolen. Acha gun hai, theek hai, mujhe laga kuch special cheez mil gayi hai. Gonna steal it back. देखो हम दो तो आए हुए हैं नोबल मेंबर और बाकी ये जो बंदे हैं ये नॉर्मल यहीं पे यूएनएससी के मेंबर हैं, मतलब रीच प्लैनेट के होंगे बेसिकली, तो ये मर सकते हैं, मतलब जितना मैंने गौर करा है, क्योंकि वो मेन बंदे हैं ना हमारे नोबल वाले जो हैं वो नहीं मरेंगे, ये मर सकते हैं आम जनता ये। अरे भाई हमला, ठीक है वो बोल रहे कि कंपनी आ रही, मतलब शायद ये फिर से और निकालने वाले हैं बंदे आई गेस। फिलहाल मैंने अबे आ गए आ गए आ गए, वो ये मशीन गन चला रहा था बंदा उसी को मैंने टिपका दिया, लेकिन और बंदे हैं के अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बंदे छोड़े हैं तो उनको टपका सकते हैं, मतलब शिप पे तो हमला नहीं कर सकते, शिप को तबाह कर सकते उस पर बात ही क्या थी। तो फिलहाल कवेनेंट का बेस है, कुछ हेल्प आई है, बंदे आप देख सकते हैं आई क्या थी पहले से थे यहाँ पे, मतलब आए तो बाद में ही है ऑब्वियसली। Nothing here but that lake. Road leads to a hydroelectric plant, but the gate doesn't work. Boat in the ground? We use the riverbed to smuggle rations, weapons. अबे ये गन? नहीं ये नहीं. Basically. Show us. ये वाली कौन सी है? अच्छा ये वही है जो हमने ले रखी है शायद अभी. इसलिए हम स्वैप नहीं कर पा रहे थे. स्वैप नहीं कर पाए थे तो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम। तो ये फिलहाल पूरा बेस है, और अभी भी एक क्वेश्चन उठता है कि भैया आखिर आए कैसे, let's see where it goes. हमारे प्लेनेट पर आखिर घुसे कैसे? Where does this riverbed lead? Straight to the hydro plant. We dammed this river up 45 years ago. Plant powers every settlement in the territory. Shame if it all gets wasted. Cat, are you seeing this?
Covenant structure. Kind of. तो बोल रहा है क्लियर, क्या तुमने देखा कवनेंट का स्ट्रक्चर है ये? मेरे को शील्ड भी लगा रखी यहाँ पे, और पता नहीं क्या था वो ऊपर से जो फेंक रहा था पिंग पिंग सा, और ये बंदे का देख रहा हूँ मैं, आ रहे हैं कि नहीं। देखो ये जो अभी पिंग पिंग सा फेंका था, पता नहीं क्या था ये। मेरे ख्याल से उन्होंने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करा है तभी ये अचानक से आए हैं, कि वरना पता चल जाता क्योंकि ये प्लैनेट हमारे लिए मिलिट्रिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा बेस हमारा यहाँ पे है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट और मेजर, तो सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो पता कैसे नहीं चला, तो कुछ तो है। उड़ा दें, उड़ा ही दिया वैसे मैंने। तो काम भाग रहा है खोतिया। अरे यार रिलोड करनी पड़ रही है। ठीक है मैंने मशीन तबाह कर दी। हाँ मशीन, वाह बुलेट सी खत्म। मतलब स्नाइपर की खत्म थी, अभी सोचो मैं कहते चलाने लगा दोबारा से। मैंने स्वैप करी है ना क्योंकि वैसे यार अगर हम दो से ज़्यादा गन्स रख सकते, अगर मतलब वेपन रख सकते तो ज़्यादा सही रहता, मगर चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। एक सेकंड, किसने मारा? Do good work. अरे भाई भाई भाई, बहुत ये लग रहा है, बहुत मुश्किल सिचुएशन सी हो रही है, हर जगह से पड़ रही है। क्या करें भाई, काफी कंफ्यूजन भरी सिचुएशन। अरे भाई पीछे से एकदम, पता ही नहीं चला, बम वेस्ट हो गया, मार दिया था उसके बाद फेंका मैंने, क्योंकि डिफेंड करनी है एक जगह हमें। ओके ये राइट में क्या है, ये गन मैंने चेंज कर ली फिलहाल, मैंने फिर से चेंज कर ली। ये क्या है? ओ भाई ये बड़ी सही चीज़ है, ऊपर पहुंच जाते हैं इससे हम। ओके हमले करो, हमले हमले हमले। बड़े खतरनाक बंदे हैं, हंटर याद ही होगा आपको पिछले एपिसोड में, वाट लगा दी थी हमारी। इस बार हम लगा देंगे, इनकी बीम बड़ी खतरनाक होती है। अरे भाई बच गए, पड़ गई तो एक बार मर जाएंगे। टेक्निक अच्छी लगी मेरे को, जाओ फिर से ऊपर जाओ, ऊपर से हमला। अरे भाई बुलेट ही खत्म, अब क्या करें? अरे मर गए, किस्मत अच्छी है।
जब बुलेट्स खत्म हुई तब मरे। तो फिलहाल ये बंदों को बता रहे हैं अपने कमांडर को कि भैया हो चुका है पूरा का पूरा काम, अभी हमें आगे प्रोसीड करना है डार्क जोन में। तो डार्क जोन में थे इस वजह से शायद पता नहीं चला हमें, अंधेरे वाला जोन, डार्क जोन। ये गन भी सही है, ये भी सही है, ये वाली ज़्यादा पसंद आई मेरे को। तो पीछे यार एक सेकंड कोई था शायद, नहीं चलो अपने साथियों की हेल्प कर जाए। कोई गन कोई गन कोई गन, अबे यार बंदे पहले। तो इस गन की खासियत यह है कि हम नॉर्मल हमले तो कर ही सकते हैं और चार्ज करके भी कर सकते हैं, देखो है ना मस्त। भड़तोली मारूं किसको, अरे भाई 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 मेरी पावर, भाई बुलेट्स नहीं पावर नहीं। एक सेकंड गन गन किधर थी है, अब बताता हूँ रुको। कहाँ गया किधर गया किधर गया छुट्टू, होए 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 बम का एक अच्छा प्रदर्शन। बेसिकली ये शील्ड के ऊपर छुप के और एक मशीन गन पे, चलो फायदा हुआ मशीन गन पे मैंने बम फेंक दिया। मतलब बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कुछ चीज़ थी जिससे वो ख़राब हो जाती है मशीन, बाकी बम बोल दो काम तो भैया। अच्छा आगे भी है, अकेला नहीं जाऊंगा लेकिन मैं, अकेला कौन ही जाए भाई, मरने का थोड़ी है। इधर कौन सी खे गन है, चेंज कर ली मैंने एक गन ऐसी भी जिसमें कोई बुलेट नहीं थी मेरे पे। इनके पास कुछ हेल्थ ले लो, हेल्थ ले ली गाइस, और ये पिस्टल मेरे को ज़्यादा सही लगी। बस बुलेट्स थोड़ी सी कम है, चलो कोई बात नहीं। अरे यार ज़्यादा सर नहीं हुआ, दूर था, दूर फेंका हमने।
ओके, अभी तो हमने क्लियर कर दिया है। तो बेस का हमने ऑलमोस्ट सफाया कर दिया। तो आगे से मिशन खत्म होने वाला है। हाँ, पिछली वीडियो बहुत बड़ी थी, इस वजह से इसी मिशन पे हम खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। एक सेकंड, अबे तो पूरा का पूरा बेस है जिस पे हमने हमला करा, वो तो था ही नहीं कुछ। ट्रांसमिटिंग विजुअल ने कुछ बोला? ये पूरी स्ट्राइक फोर्स है। तो ये पूरी इन्वेडिंग आर्मी है जिससे रीच पे हमला होने वाला है। ओ तेरी, इन्होंने बोल दिया कि भैया पीछे वापस चले जाओ। तो अभी हमने देखी पूरी इन्वेडिंग आर्मी कोवेनेंट की, जो कि मतलब फुल पोटेंशियल से थी जिससे रीच पर हमला करा जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में अगला मिशन जो होगा, हम भी पूरी आर्मी के साथ इन पे हमला करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे मेरे हिसाब से। बाकी देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि दो आर्मी भिड़ेंगी। देखो आर्मी दिख रही है, लेकिन अगले एपिसोड में खेलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।